वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो आज है मंडे, ठीक है ना, और मैं फ्रेश वगैरह भी हो गया, नाश्ता तो कर लिया था। और अभी टाइम क्या हो रहा है आते 5:30 हो रहे। और अभी मैं खाने में आके बैठ गया। देखिए खाने में मेरे साथ हो रहा है जुल्म। देखिए मुझे पालक दिया गया है, ठीक है, पालक की सब्जी, और इधर इधर निहारी खाई जा रही है, वो भी अकेले अकेले, साथ साथ चपाती और आपके भाई की देखे स्लाइस, क्योंकि पता है क्रिकेट में स्टार्ट कर लिए तो उसके लिए थोड़ा अपने आप को सही रखने के लिए थोड़ा हेल्दी से थोड़ा दूर रहें तो अच्छा है। बस अभी सब्जी खाएंगे तो अच्छा है। फिर कोई नहीं, अभी फटाफट से खाना खाते, फिर उसके बाद देखते नीचे कहीं जाते, और ठीक है आप लोग भी स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू दी एनएसएल। फ्री हो गए थे, ठीक है ना, और अभी हम लोग कर रहे हैं कैचिंग प्रैक्टिस, ठीक है ना। मैंने अब्दुल राफे को तो करवा दी है, ठीक है, अब मेरी बारी है, मैं कैचिंग प्रैक्टिस करूँगा, आपको पीछे से दिखाएंगे। वैसे ये साहब हैं तो टेढ़े, क्योंकि डर लग रहा है इनके साथ खेलने से, कहीं उधर उधर खेल ले और कहीं नुकसान हो गया तो लेने के देने पड़ेंगे। जाओ ये कैमरा हो गया बिल्डिंग। मैंने तो इनको कैचिंग प्रैक्टिस करवा दी, ठीक है। अभी मैं आपको कैचिंग की एक यूनिक मैं आपको ट्रिक बता दूं, ठीक है। सबसे पहले आपको ना अपनी दोनों टांगे यूं रखनी है, यूं, ठीक है। यूं करने के बाद जब आप कैच करोगे ना, ये कैच आपको करना है यहाँ से, यहाँ आपको यूं करना है, यूं यू क्यों, अगर टैगर को आगे आ गया ये कैच ड्रॉप भी हो, जैसे यहाँ पे लग के जूं बॉल आते हैं ना, यूं स्लो कर देना, ठीक है। ये यूनिक है, आप जैसे ही बॉल है आपको यूं करके यूं स्लो कर दो, क्योंकि कभी कभी तेज आती है ना, कभी कभी आपको बॉडी में भी लग सकती है। जिस तरह आप कोई कहीं होते हैं कि बॉडी में यूं करके पकड़ लेते हैं ताकि कैच भी ना छूटे और बॉडी को ज्यादातर नुकसान भी हो जाता है। कल आपको बस क्या करना है, आपको यूं रहना है, कैच कोशिश करें आप इन इन से पकड़े, इधर से पकड़े यूं करके। मैं आपको बताता हूँ, अब्दुल आप कैच देखें, ठीक है, यूं कैच, यूं कोशिश करनी अपनी ग्रिप अच्छी रखनी है। आप चाहे आप एक बात याद रखना, आर एस रोक की आप ग्रिप देखना, हमेशा यू कैच करेंगे और बॉल को करेंगे स्लो। आर एस रोक ने अभी तक इंटरनेशनल में भी कैच नहीं छोड़ा, एक भी इंटरनेशनल में बात करूँ, ठीक है। अभी आप वापसी देखें, देखें यूं करना है, यूं कर यूं, अगर आपका ड्राइव वाला है कि आप यूं रहेंगे ना नीचे तो आपको चारों तरफ फोकस में, आप यहाँ पे देखें ये यूं देखें, आप यहाँ मैं यूं हूँ ना, इसलिए ताकि आपको कंफर्ट जोन में रहोगे, आप यूं हो सकोगे, आप यूं जा सकोगे, आप यूं जा सकोगे, ये है यूनिक ट्रिक, ठीक है। अब आप वापसी में आपको कौन सी आता है ना, ये देखें, ये जिस तरीके से आप ये देखें मुंह आ रहा था, ये यूं रहना है, अरे ये यूं देखें, आप बुद्ध मेरे कोशिश किचन वाला स्लिप सही है, ठीक है ये। और बस आपको हमेशा कैसे ना यहाँ से पकड़ना, ताकि आपकी उंगली में को भी कोई नुकसान नहीं हो। नाखून तो काटते ही जाए, काट के ही जाना मैच में, अल्लाह ना करे कल को आपके नाखून में लग गया ना, वो मुझे पता है, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे साथ क्या नाखून की हालत हुई थी, यही हालत हो जाएगी। खैर कोई नहीं, अभी मैंने आपको बता दिया। और दूसरा तरीका मैं नॉकिंग करने का, ठीक है, अभी आपको घर में कुछ नॉक नहीं, नॉक करने के लिए कुछ भी ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ उनको क्या करना है, आपका नॉकिंग करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको ढूंढ लेना है, सबसे पहले ढूंढ लेना है ये रहा एक सॉक्स, सॉक्स ढूंढने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ढूंढने के बाद, ठीक है, आपने सबसे पहले ये क्या कर देना है, बॉल डाल देना है इसके अंदर, ठीक है। ये बैट्समैन की ट्रिक मैं बता रहा हूँ जो कि मुझे कोच ने बताई थी, ठीक है। ये आपने डाल दिया बॉल अंदर, ठीक है, अब जल्दबाजी में नहीं उठता, इसलिए आपने क्या करना है, आपको बीच में कर देना है, यहाँ पे क्या दोस्त जिस तरीके से मैंने ये पहले सीख लिया, प्लास्टिक रबर है, ठीक है, प्लास्टिक रबर क्यों, क्योंकि मैं तो रस्सी भी फंसा सकता था या फिर मैं कुछ भी प्लास्टिक रबर क्यों, क्योंकि आप देखें ये जूं है, अगर आप बॉल को खेलेंगे ना तो वो बॉल घूमेगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों के बीच में प्लास्टिक रबर डाल देना, सबसे पहले तीन टाइट मार देंगे कि बॉल किसी को लगे भी नहीं, ठीक है। अब आप काम करें, अभी इसको यूं कर दिए, ठीक है, अब इनको आप एक काम करें, यूं हम लोग हो रहे ना, ये देखें बॉल किस तरह घूम रही है, बॉल घूम रही है, वो देखें ऊपर नीचे होगी और आपको मुश्किल हो जाएगा खेलना, ताकि आप अगर आप खेलने भी जाओ अचानक आपका हो सकता है कि बॉल ऊपर नीचे एज निकल के कीपर कैच हो जाए, इस तरीके से आपका मिडल हो जाए ना, आपके आई लोग हो जाएगा, इस तरीके से आपके आई लोग हो जाएंगे, आपका मिडल भी अच्छा हो जाएगा। ये बैट्समैन की ट्रिक है, आपको बस क्या करना है, इसको किसी अच्छी जगह पर लगा देना, ठीक है, बस आपको ये नॉक करता रहना,
बस पैसे नहीं देखे ये।